हिमाचल प्रदेश में 1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। भाजपा और कांग्रेस जोरों शोरों से चुनावी प्रचार कर रही है। इसी बीच पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजीव सेजल ने शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी पर तंज कसते हुए कहा कि वो दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें दिल्ली जाने नहीं देंगे। पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव सेजल ने कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी पर चुटकी लेते हुए कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी दिल्ली खिसकना चाह रहे हैं, दिल्ली भागना चाह रहे हैं, कसौली के लोगों के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी बनती है उससे भागना चाह रहे हैं। हम उनको भागने नहीं देना चाहते, हम उनको यहीं रखना चाहते हैं और हमारा स्नेह है उनके साथ। परमाणु होते हुए जो दिल्ली सड़क जाती है वो चाह रहे हैं कि उस सड़क से दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन हम उस सड़क को ब्लॉक करके उनका रास्ता रोकने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सेजल ने सोलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भाजपा प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं में नया जोश देखने को मिल रहा है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के जो हैं वो उम्मीदवार हैं विनोद सुल्तानपुरी जी, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि वो दिल्ली खिसकना चाह रहे हैं, दिल्ली भागना चाह रहे हैं, कसौली के लोगों के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी से भागना चाह रहे हैं। हम उनको भागने नहीं देना चाह रहे, हम उनको यहीं रखना चाह रहे हैं और हमारा स्नेह भी है उनके साथ। और परमाणु होते हुए जो दिल्ली सड़क जाती है वो चाह रहे हैं कि उस सड़क से दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन हम उस सड़क को ब्लॉक करके जो है उनका रास्ता रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं। लीड की मैं कोई बात नहीं करता, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे निर्वाचन क्षेत्र से लीड मिले। सुल्तानपुरी जी का उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार की अपेक्षाएँ लोगों की उनसे थी, उन अपेक्षाओं पर वो खरा नहीं उतरे। नहीं तो कोई कारण नहीं था कि एक विधायक रहते वो एमपी का टिकट लेते, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इतना बड़ा जनमत उनको प्राप्त हुआ था, 6,500 से अधिक मार्जिन से वो वहाँ से जीते थे और हम रह गए थे उस चुनाव में, तो उस जिम्मेवारी का एहसास तो उनको जो है वो होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। आज वो अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाह रहे हैं, दिल्ली जाना चाह रहे हैं। वो जीतने ही नहीं वाले तो मुझे मौका मिलने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, और मेरा मौका मिलने का प्रश्न नहीं है आज, तो देश का प्रश्न है। और मेरे जैसे मैं तो समझता हूँ अगर 1,000 लोग 1,00,000 लोग भी कुर्बान हो जाएं और तब प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़े, तो मेरे जैसा छोटा आदमी उसके लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV।